चलो तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कैलकुलेटर वगैरह लेके बैठे हो ना? चलो वैसे आज का न्यूमेरिकल आएगा तो नहीं, लेकिन रखो ठीक है। चलो तो लास्ट लेक्चर में क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने यूजेक्स लो देखा था, ठीक है, जो क्या कहता है कि आपके कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, सॉरी यूजेज लो क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो उसके टेम्परेचर से कैसा होता है प्रपोर्शनल। मतलब कि टोटल हमने ना प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए तीन लो देखे कि एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम से इन्वर्सली प्रपोर्शनल होता है। ये हुआ हम, ये था हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है। फिर दूसरा हमने देखा था कि एक कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर से प्रपोर्शनल होता है, ये था चार्ल्स लॉ। और हमने लास्ट में देखा कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये था लुईस लॉ, ठीक है। तीन लॉ हमने देखे जिसमें हमने क्या दिया है, इन तीनों का रिलेशन है। हर एक लॉ में, तीनों लॉ में हमने एक चीज कॉमन ली थी, क्या? अमाउंट ऑफ, यानी कि मोल्स ऑफ, अमाउंट ऑफ गैस इज कॉन्स्टेंट। मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स हमने कॉन्स्टेंट लिए थे, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल्स का भी कुछ ना कुछ पार्ट होगा, समझ रहे हो? आपके गैस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिराइव करने के लिए, उसके फिजिकल स्टेट को अच्छे से समझने के लिए उसका वॉल्यूम, उस टाइम में टेम्परेचर और उसके ऊपर कितना प्रेशर है, उसके साथ साथ कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके लिए है उसका भी कोई ना कोई रोल होगा। यानी कि हमारे हम जो गैस के रूल देख रहे हैं, जो हम गैस लो देख रहे हैं सारे, उसमें एक लो ऐसा भी होगा जो क्या करेगा, आपके अमाउंट ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को कहीं ना कहीं किसी से रिलेट करता होगा। तो वो किसके साथ रिलेट होगा? वो जो हमें लो हमने दिया है उस लो को नाम दिया है हमने एवोगैड्रो लो। क्या नाम दिया है? एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो का नाम आपने सुना ही है, फर्स्ट चैप्टर में, आप चैप्टर में आपने नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल, एक मोल गैस में कितने नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स होते हैं, तो एक मोल गैस में कितने थे, 6.022 × 10²³ नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स होते हैं। यानी कि एक मोल CO2 गैस मैंने ले लिया तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड के मोलेक्यूल्स होंगे, CO2, ऐसे कितने कार्बन डाइऑक्साइड जुड़े होंगे, 6.022 × 10²³ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़े होंगे किसमें, एक मोल गैस में। तो ये जो हमें बताया था, ये एवोगैड्रो ने बताया था, यही हमारा जो साइंटिस्ट है एवोगैड्रो, उसी ने हमें रिलेशन दिया है नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम के साथ। ये वॉल्यूम का ही हुआ ना, एक मोल और नंबर ऑफ मोल्स वो वही हुआ। तो एवोगैड्रो ने हमें किसका रिलेशन दिया है, वॉल्यूम का किसके साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ, यानी कि नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोलेक्यूल की हम बात करें तो उसने क्या कहा कि एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर ले लो, एक फिक्स वॉल्यूम ले लो, ठीक है। अगर एट फिक्स
present in that volume are equal. क्या कहा? एक fixed temperature, fixed temperature और fixed बोलो या constant बोलो. Constant temperature और pressure लिया है आपने, ठीक है? और आपने दो गैस लिए. Suppose मैंने एक गैस ले लिया oxygen, मैंने दूसरा गैस, जैसे ये ideal गैस की बात तो होती है, ठीक है? तो हम गैस को A to B को कहते हैं. एक ले लिया मैंने A to गैस, दूसरा ले लिया मैंने B to गैस. गैस कभी सिंगल तो होता नहीं है, ठीक है? मॉलिक्यूल में ही होता है, एटम में होता नहीं है. तो A to गैस और B to गैस का वॉल्यूम आपने सपोज सेम लिया है, m लीटर. कितने लीटर लिया है? m लीटर लिया है. तो दोनों के अंदर A to के नंबर ऑफ मोल्स और B to के नंबर ऑफ मोल्स नंबर में इक्वल होंगे. सपोज 6000 मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें भी 6000 मॉलिक्यूल्स ही होंगे. कब? जब आपने वॉल्यूम सेम लिया है और दोनों गैस जो कंडीशन में है वो कंडीशन सेम है, मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का कैसा है, सेम है. दोनों की कंडीशन सेम है और तो एट इक्वल टेम्परेचर भी कह सकते हैं, ठीक है? दोनों सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे है और इक्वल वॉल्यूम है दोनों का, तब क्या होगा? बट वॉल्यूम सॉरी नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सेम हो जाएंगे. इसका मतलब क्या होगा कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे आपके नंबर ऑफ मोल्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वॉल्यूम के ऊपर. यानी कि ऐसे प्रोपोर्शनलिटी आप दिखा सकते हो कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट ले लिया है तो जो वॉल्यूम जो होगा आपके गैस का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल रूल. अभी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दो तो K1 हमने यूज किया था वो इस लो में, K2 हमने यूज किया था चार्ल्स लो में, K3 यूज किया था म्यूजिक लो में, तो यहाँ पे क्या आएगा आपकी K4N, ठीक है? वेल ये क्या हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है? ये हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अभी आपको ये तो बताइए कि वन मोल यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स, 6.022×10^23 मॉलिक्यूल्स. ये एक एवोगाड्रो ने क्वांटिटी दी आपको, ये जूल भी हमारे एवोगाड्रो का है, ठीक है? तो यहां पे हमने क्या कहा, देखो हम कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर ले रहे, तो सपोज मैं स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर लू. स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर जिसको हम बोलते हैं STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. समझ रहे हो? STP बड़ी आपको यूज करना है, ये लिखते रहना हमें तो चलते चलते वो मिल जाएगा मुझसे, ठीक है? तो क्या कहा कि स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर आप अगर अपना लेते हो तो क्या होता है कि आपका सपोज स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है याद करो, चार्ल्स लो 273.15 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 bar, तो क्या होता है 10^5 pascal जितना. अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आप ले रहे हो तब वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और वॉल्यूम
कॉम्बिनेशन ऑफ आइदर गैसेस, यानी कि एक से ज्यादा गैस, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेस इज इक्वल टू, आपको कुछ अमाउंट दिया है 22 पॉइंट, कितना दिया है 22.7098, 22.7098 लीटर मोल इनवर्स। फिक्स वॉल्यूम मैंने क्या कहा था कि टेम्परेचर और प्रेशर और इक्वल अमाउंट होगा तब नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे आपके से, तो ये बता दीजिए स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर आप ले रहे हो, मतलब इतना टेम्परेचर है और इतना प्रेशर है, तो आइडियल गैस जो होगा या आइडियल गैस का कॉम्बिनेशन आप लो, ठीक है। आइडियल गैस मतलब कौन सा गैस आपका, आर्गन, नियोन, हीलियम, ज़ेनन, वो सारे आइडियल गैसेस है, ठीक है। तो आइडियल गैसेस का जो कॉम्बिनेशन होगा या आइडियल गैस का जो होगा उसका वॉल्यूम नियरली इतना होगा, कितना इतना। तो सारे गैसेस के नंबर ऑफ मोल कैसे हो जाएंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल, व्हाई, वॉल्यूम सबका नियरली इक्वल है, सबका वॉल्यूम मैंने क्या कहा, कोई भी आइडियल गैस ले लो या उनका कॉम्बिनेशन ले लो, स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर जब लेते हो तो उसका वॉल्यूम कितना ही होगा, थोड़ा बहुत पीछे पॉइंट में वेरिएशन होगा, बाकी 22 तो फिक्स ही रहेगा। दैट मींस क्या होगा कि एट दिस टेम्परेचर एंड दिस प्रेशर दो आइडियल गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे इक्वल, इतने वॉल्यूम में जितने मोल आपका आर्गन होगा उतने ही मोल आपका हीलियम होगा, उतने ही मोल आपका नियन होगा, उतने ही मोल आपका ज़ेनन होगा, समझ रहे हो। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो आपको आइडियल गैसेस के वॉल्यूम का टेबल दिया है, अलग अलग है, 8.37 है, 22.54 है, पीछे पॉइंट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आइडियल गैस हमने इस एग्जांपल के लिए लिया कि आपने टेम्परेचर और प्रेशर स्टैंडर्ड लिया है, दो गैसेस के वॉल्यूम इक्वल मिल रहे हैं, तो उन गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करते हैं, इस इक्वेशन के ऊपर आपको नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला पता है फ्रॉम द चैप्टर 1, नंबर ऑफ मोल्स। देखो ये मोल और ये मोल में फर्क है, ठीक है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, टोटल मास जो आपने लिया है, टोटल ग्राम ऑफ गैस और नीचे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ऊपर टोटल मास है, ये क्या है टोटल मास, आपने कितना गैस लिया है, 5 ग्राम लिया है, 10 ग्राम लिया है, 15 ग्राम लिया है, और नीचे है मॉलिक्यूलर मास, यानी उस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको n इक्वल टू m अपॉन m मिल गया, ये वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो b इज इक्वल टू k4, n की जगह पे स्मॉल m अपॉन कैपिटल m। अभी सपोज मैं इस m को इधर भेज दूं, इस v को इधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास इज इक्वल टू k4 स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम। अभी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी d, तो वो अपलोड यहां पे हम क्या रख देते हैं, यहां पे इसकी जगह पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि कोटा दो, तो मोलिकुलर मास इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या डेंसिटी या उल्टा लिख सकते हैं हम इसको कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास, मतलब कि जितना मोलिकुलर मास ज्यादा उतना डेंस कंपाउंड, उतना डेंस होगा आपका गैस, मतलब कि अगर आप नियोन हीलियम ले रहे हो उसका मोलिकुलर मास कितना है 2, अगर आप नियोन ले रहे हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 10, तो ये जो है वो ज्यादा डेंस, किसी एक वॉल्यूम में आपने भरा है इसको, तो ये ज्यादा डेंस होगा, ये कम डेंस होगा, समझ रहे हो।
इसके सपोज 100 मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके भी 100 है, इसके भी 100 है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, मतलब ये बड़ा है, ठीक है। तो इतने ही बॉक्स में एक आपकी जो छोटी सी प्लास्टिक की आपकी बोल होती है, वो बोल आप 10 बोल फिल करो, 100 बोल, इतने बॉक्स में आप वो बोल अंदर रखो, 100 छोटी छोटी बोल्स, और उसी बॉक्स में आप 100 आपकी जो सीजर बोल आती है वो रखो, ठीक है। तो वो जो सीजर बोल होगी वो ज्यादा डेंसिटी बनाएगी ना, मतलब वो वॉल्यूम में क्या करेगी, बीच में जो गैप होगा ये गैप छोटा छोड़ेगी, जबकि ये जो छोटी छोटी बोल्स है वो क्या करेगी, गैप ज्यादा छोड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ बोल्स तो क्या है, इक्वल है, सिर्फ उसका एक का मास बड़ा है, एक का मास कम है। दैट मींस इससे भी वही होगा, हीलियम का मास कम है क्योंकि वो छोटा है, उसका एटम छोटा है, तो क्या होगा कि वो जगह कम रुकेगा, एक पर्टिकुलर उसका मॉलिक्यूल जगह कम रुकेगा, तो वहां पे डेंसिटी उसकी कम रहेगी, और इसके पूरे वॉल्यूम की डेंसिटी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये रिलेशन समझ में आ गया। अभी ये मैंने कब से आइडियल गैस, आइडियल गैस वर्ड लिया है, तो यहां पे मैंने आइडियल गैस का एग्जांपल ही क्यों लिया, क्योंकि एक्चुअली ये जो हमने लो पढ़े, कौन से लो, बॉयज लो, चार्ल्स लो, फिर ल्यूजेंस लो, एंड देन हमारा एवोगैड्रो लो, ये चारों लो, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि द गैस विच फॉलोज एवोगैड्रो लो, बॉयज लो, चार्ल्स लो एंड ल्यूजेंस लो इज कॉल्ड आइडियल गैस। इन चारों लोज को पूरी तरह से 100% जो भी गैस फॉलो करेगा वो गैस कैसा होगा, आइडियल। लेकिन आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, नाउ व्हाट इज हाइपोथेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी, मतलब कि एक ऐसी आइडियल कंडीशन जो आप सोचते हो लेकिन वो होना मुमकिन नहीं है, हाइपोथेटिकल है, ज्यादातर इमेजिनरी है, मतलब आपके आइडियल केसेस चलो कौन से हुए कि जो चीज जो नॉन रिएक्टिव है, नोबल केसेस, ठीक है, वो आपके आइडियल केसेस हुए, लेकिन आपके जो रियल केसेस है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ भी आपके जो भी गैसेस है, एक्चुअल गैसेस, ठीक है, जो कहीं पे कुछ काम में आते हैं, वो सारे गैसेस आपके जो है वो इन लोज को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं। सो वो रियल गैसेस है, जो आइडियल गैसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि इन चारों लोज को अच्छे से तो फॉलो करते हैं, प्लस जो हमने चार इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखे थे ना, वो उन गैसेस में बिल्कुल नहीं होते। जो आइडियल गैस होगा उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल नहीं होते, दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, हम कभी भी कोई गैस आपको यहाँ पे ऐसा लेना है कि जो नॉन रिएक्टिव है, जो सिर्फ एक गैस मीडियम बनाने मीडियम के लिए यूज होता है, रिएक्शन में पार्ट ना लेते, आप वहां पे नोबल गैस यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि नोबल गैस यानी आइडियल गैस यानी आर्गनियन, वो सब जिनके बीच में, जिनका आप कितने भी मोल्स ले लो, अंदर अंदर मॉलिक्यूल के बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह का अट्रैक्शन, रिपल्शन कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपके जो रियल गैसेस है वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसकी इफेक्ट लोअर हो सकती है, क्या हो सकती है कि कुछ कुछ कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन आप पैदा करो, क्रिटिकल कंडीशन, तब जाके ये थोड़े बहुत उनके नजदीक हो सकते हैं कि थोड़ा उसकी जो इफेक्ट हो वो बहुत कम हो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की इफेक्ट बहुत कम हो, पर इन लोगों को, इन लोज जो है सारे चारों के चारों उसको फोर्सफुली वो उस कंडीशन में फॉलो करेंगे, लेकिन हर एक टेम्परेचर, हर
हर एक नंबर ऑफ मोल्स पे ये रियल गैसेस इन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे? आइडियल गैसेस। तो ये रियल गैसेस किस तरह से उनसे डिफरेंट होते हैं? वो जो डेविएशन है, डेविएशन मतलब कि जिस रास्ते पे जाना चाहिए वहां पे ना जाके मुड़ जाना। तो आपका जो आपके जो रियल गैसेस है उनका इन चारों लॉ से जो डेविएशन है उनको हम डिटेल में आगे के थ्योरीज में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि ये जो चार लॉ है वो किन के लिए है? आइडियल गैसेस के लिए, जो कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। सारे जो रियल गैसेस है वो ऐसे कंडीशन में होते नहीं है, वो सिर्फ ट्राई कर सकते हैं टू बी आइडियल, आइडियल हो नहीं सकते, यानी कि वो पूरी तरह से चारों लॉज को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे चार लॉ। ठीक है, होमवर्क में आपको क्या करना है, जो रेड लॉ मैंने आपको करवाया है आपको एक अपने एक बार संसद में लिखा है, दूसरी बार फिर से लिखना है। ठीक है, और अच्छे से लो समझो, चारों लॉ को अच्छे से दिमाग में बिठाओ कि क्या क्या कहना चाहता है। ठीक है, ये एसटीपी क्या है, ये आइडियल गैस क्या होता है, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखिए क्या करवाया, सब कुछ अच्छे से, और ये कॉन्सेप्ट तो अच्छे से बिठा, वन मोल क्या है और ये क्या है, ये तो अच्छे से बिठा। ठीक है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा, फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा रेफरेंस अगर लेना है तो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कुछ याद मत रखो, समझो ये जो मैंने करवाया ना आज, इसको याद रखने से ज्यादा जरूरी है समझना कि क्या क्यों हो रहा है। ठीक है, चलो अभी ज्यादा लेक्चर नहीं देना है मुझे, आप लोग बोर हो जाओगे, बस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चारों लोग, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए थ्योरीज के साथ। ओके, चलो।